नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या का मामला लगातार चर्चे में बना हुआ है। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है और एक के बाद एक नए खुलासे भी हो रहे हैं। इसी क्रम में एक नया मोड़ आ गया है। जी हां, दरअसल हत्याकांड में शामिल मुख्य आरोपी काजीम अंसारी की पत्नी नजराना खातून ने अपने पति को निर्दोष बताया है। उनका दावा है कि जीतन सहनी नशा बेचते थे और पुलिस ने जबरन उनके पति को फंसाया है। गिरफ्तार आरोपी काजीम की पत्नी नजराना खातून ने बताया कि उनके पति और जीतन सहनी के बीच चाचा भतीजे का रिश्ता था। उन्होंने आरोप लगाया कि जीतन सहनी गांजा, भांग और शराब बेचते थे और खुद भी शराब पीते थे। उन्होंने आगे कहा कि जीतन सहनी उनके पति को जबरदस्ती शराब पिलाते थे। नजराना ने दावा किया कि इस बात की जानकारी घर के आसपास के लोग भी जानते हैं। आप खुद सुनिए नजराना ने आखिर क्या कुछ कहा है। क्या आखिर पति आपके वहाँ जाते क्यों? दारू और बेचते थे, सब चीज गांजा भांग सब बेचते थे, तो सब जाते थे पीने के लिए, तो वो भी जाते थे। हम क्या कहेंगे, पूरे मोहल्ले बच्चा बच्चा सब पूछ लीजिए, सब वहाँ पे जाते थे पीने खाने वाला, सब दारू बेच रहे थे, सब चीज बेच रहे थे, तो जाते थे सब पीने के लिए। क्या क्या मतलब जो बंद है शराब वो मौजूदा मिलता था और नशा के सामान सब मिलता था? दारू भी बेचते थे, गांजा भांग सब बेचते थे, सारा चीज बेचते थे, जितना भी नशा का चीज है सब बेचते थे। लेकिन जब उनकी हत्या हो गई तो सुबह पुलिस गई तो कुछ नहीं मिला नशा का? हाँ, दारू उरू का बोतल सब मिला, लेकिन मुखिया जी जो गए ना यहाँ से, तो सब चीज को विनोद बम्पर सब को लेके नदी में फेंक दिए, सबको वहाँ पर से ही सब सामान को जो बेच रहे थे सबको हटा दिए, दारू उरू सब था बोरा बोरा सबको निकलवा दिए। पुलिस के आने से पहले ही काम हो गया। तो साफ तौर पर आपने सुना कि नजराना ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके पति को पीट पीट कर जबरन हत्या का आरोपी बनाया है। उनका कहना है कि घटना वाली रात उनके पति घर पर ही थे। उन्होंने बताया कि मृतक और उनके पति साथ में खाना खाते थे। कहा कि दोनों एक साथ बैठकर खाना खाया करते थे। वहीं जीतन सहनी के नशे का सामान बेचने के बारे में पूरे गांव को पता था। उन्होंने कहा कि जिसको नशे का सामान खरीदना होता था तो पूरे इलाके के लोग उनके पास जाया करते थे। नजराना ने यह भी दावा किया कि पुलिस ने जीतन सहनी के घर से शराब बरामद की थी, लेकिन बाद में मुखिया के आने पर उसे फेंक दिया गया। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जीतन सहनी हत्याकांड में ये एक नया मोड़ सामने आ गया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों से लगातार इस हत्याकांड को लेकर के जांच पड़ताल किए जा रहे हैं, पुलिस नए नए खुलासे कर रही है, लेकिन इस बीच जिस तरह से जो मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं उनकी पत्नी के द्वारा जिस तरह से ये बयान सामने आया है और शराब से जुड़ा हुआ जो बड़ा आरोप मुख्य आरोपी की पत्नी ने लगाया है, उसके बाद आखिर पुलिस की कार्यप्रणाली, उनके जांच में क्या कुछ नया मोड़ आता है, क्या कुछ पुलिस एक्शन लेती है, यह तो देखने ही वाली बात होगी। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।